सभी चीजों को सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। बहुत ऐसा चीज है जो किसी के द्वारा बताई गई बातों को आप इतने अच्छे से जकड़ लेते हैं कि आपको हर टाइम वो अपने माइंड में ही गूंजेगा कि सर क्या बताए थे, क्या करना चाहिए चीजों को। सबसे पहला तो अपना माइंड ही यूज करेंगे। कहते हैं ना कि अगर आपके आपका जहाँ पे घर है और घर के आजू बाजू वाले के साथ आपका कितना भी लड़ाई हुआ है, ठीक है, लेकिन हर एक परिस्थिति में आपका मदद करने वाला आपका साथी होता है, जिसके पास आपका घर द्वार होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग जितना हो सके आपको शिक्षा के साथ साथ सामाजिक अध्ययन को भी देने का प्रयास किए हैं, लेकिन अब जो है आप खुद का मालिक आप हैं। यहां तक कि आपका लाइफ में भी, जैसे मान लो आपका लाइफ तो शुरू हो गया है, अब चीजें होनी, यानी कि एक समझो कि आप मैच्योर हो चुके हो, 10th क्लास से आपका मैच्योराइजेशन शुरू हो जाता है और आप समझिए कि पेरेंट्स की तरह आपका वो ट्रीट होना शुरू हो गया। तो अपने आप को समझिए कि आपका सबसे पहला जो है किसी भी चीज को, यहाँ तक कि चाहे पढ़ाई का कदम हो, यहाँ तक कि आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, आपको अपना माइंड ही यूज करना है, चाहे आपके साथ कोई रहे या कोई नहीं रहे। यानी कि हर फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम, हर फील्ड के लिए, चाहे इसके आगे आपको किसी भी चीज का च्वाइस हो, करना हो, आपको खुद पे आप कितने अच्छे से चीजों को समझते हैं, चीजों को गाइडलाइंस के लिए भले किसी दूसरे का सहारा लीजिए। और इसका एकदम फैक्ट है कि अगर एक स्टूडेंट अलग अलग टीचर से, अलग अलग लोगों से अगर कुछ गाइडलाइंस ले तो सबका एक नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी का गाइडलाइंस अपने तरीके से, अपने बात पर सबका सही है, लेकिन सबका गाइडलाइन शायद आपके अंदर नहीं हो। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि आपका लास्ट टाइम बोलते हैं ना कि आप लास्ट टाइम, तो भाई लास्ट टाइम तो ये कोचिंग का हुआ ना, क्या हमसे तो लास्ट टाइम नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर देखो, विदाई समारोह का एक ही अर्थ निकलता है कि आप जिस बेंच पर, जिस कंडीशन में, जिस टाइम पे आपने मेरे से पढ़ाई किया है, जिस टीचर से पढ़ाई किया है, शायद वो टाइम दोबारा नहीं आ पाए। दैट इज अ रियल फैक्ट, रियल मीनिंग ऑफ फेयरवेल पार्टी या विदाई समारोह जो आप बोलते हैं। वरना इसका विदाई समारोह का मतलब ये नहीं निकलता है आपसे हम मिलेंगे नहीं, आपको हमसे नहीं मिलना है, कुछ सलाह नहीं लेनी है, नेवर, ऐसा कभी नहीं करना। अपने आप को ये थोड़ा सा संयम में, देखो किसी को विदाई करते हुए तो दुख होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो भी एक मजबूरी का ही एक भाग होता है। आप अगर 12th कहीं से भी पढ़ाई किया हो या फिर आप 10th कहीं से भी पढ़ाई किया हो, आपको तो एक लास्ट जरूरी है, कि कहीं भी किसी चीज का फर्स्ट होता है तो लास्ट होना एकदम रियल फैक्ट है। सबकी अंत होती है, यहाँ तक कि हमारी जन्म हुई है तो मृत्यु होना भी क्या है, निश्चित है, फाइनल है। तो कुल मिलाकर जब 12th की हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है, उसके बाद ये हम लोगों का लास्ट पड़ाव है। हाँ, इस स्थिति में हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे उस दोस्त से, जितने दोस्त आप लोग थे, शायद उन सभी दोस्तों के साथ बैठकर इस माहौल में कभी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, वो बात की बात है, वो हम लोगों का लास्ट टाइम है। तो कुल मिलाकर अब हम लोगों का यहाँ से दोस्ती से लास्ट हो रही है, इस कोचिंग से लास्ट हो रही है, लेकिन आपको इसका उल्टा अगर देखें तो आपकी लाइफ का शुरुआत होने वाली है। इसलिए तुम लोग सुना होगा बहुत सारा कि भगवान अगर दुख की घड़ी को अगर लाते हैं ना, तो सुख की घड़ी क्या करते हैं, एक खोला रहता है, एक सुख की दरवाजा खुली हुई होती है। सेम कंडीशन है हम लोग के साथ भाई, हम लोग भले इस कोचिंग से जुदा हो रहे हैं, विदाई ले रहे हैं, 12th का अंत हो रहा है, लेकिन यही चीजें, यही टाइम तुम्हारा लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसके बाद तुम लोगों का अलग अलग रास्ते, अलग अलग च्वाइस सभी तुमको खुलेंगी। अब तुमको लगता होगा हम मैथ्स का मास्टरमाइंड बने, हम सिर्फ फिजिक्स का फिजिस्ट बने, हम सिर्फ केमिस्ट्री का बने, बिल्कुल अब आपके सामने वैसा टाइम आ रहा, आपको अब ऐसा टाइम आ रहा जिसको केमिस्ट्री बोरिंग लग रहा है, केमिस्ट्री को छोड़ोगे, जिसको मैथ्स बोरिंग लग रहा हो मैथ्स को छोड़ोगे। तो इसलिए जो है तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम। देखो अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे एफिलिएटेड कोर्स हैं जिसमें आपका 12th का मार्क्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको क्या करना है कि आपको ध्यान में रखना है कि
किस एग्जाम किस पैटर्न पे किस टाइप से हम पेपर लिखे हैं। तो पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट आपका राइटिंग है, जैसा कि हम हमेशा बोलते आ रहे हैं, आप राइटिंग्स अच्छे से अच्छे बनाओ एग्जाम्स के लिए जो सब्जेक्टिव पेपर है, और बाकी ऑब्जेक्टिव में आपको उसका 50% करना है। तो जितना आप पढ़े हुए हैं उतना ही आपको ज्यादा, देखो बहुत तरह का माइंड में चलने लगता है। अगर कल एग्जाम है, आज क्वेश्चन लिख हो गया, हम लोग न चाहते हुए उसको खरीद लेते हैं, ज्यादा पैसे वेस्ट कर लेते हैं, नेवर, ऐसा काम नहीं करना है। अपने को खुद पे विश्वास रखना है, और जो खुद पे विश्वास करता है, अपनी बातों पे ही अडिग रहता है, वही बहुत आगे तक जाता है। तो कुल मिलाकर अपने को ज्यादा माइंड को गड़बड़ाना नहीं है, माइंड को सेटअप करके रखना है। आप उतना ही चीजों को पढ़ के जाएं जितना पे आपको भरोसा है, वरना पढ़ाई का कभी तो अंत होता नहीं है। आप चीजों को पढ़ भी लो तब पर भी माइंड पता नहीं है, ऐसा है गॉड गिफ्ट है, लगेगा ही अरे बहुत कुछ तैयारी नहीं है, लगता है कुछ याद नहीं है। तो ये सब पर कभी भी माइंड को भड़काना नहीं है। और एग्जाम है, आप अच्छे से दीजिए, जैसा कि सर बोले, आपको खुद अनुभव है, 10th क्लास आपने किया है, तो आपको अब तो उस अनुभव आ ही गया है। अब बताया उसको अच्छे तरीके से जाता है जिसका कोई एग्जाम नहीं दिया है। तो आप लोग खुद अनुभवी हैं, 10th एग्जाम दे चुके हैं, कैसे सेंटर पे रहता है, कैसे बैठने का व्यवस्था रहता है, किस तरह से रहता है। तो दूसरा बात कि आप लोग खुद अनुभवी हैं, तो आप लोग को उतना अनुभव लग ही गया होगा कैसे चीजों को कंप्लीट करना है, कैसे करना है। तो कुल मिलाकर हम और ये एक्स्ट्रा बोलना चाहेंगे कि आप जो है अच्छे से पेपर दीजिए, और हम लोगों का आपके साथ एग्जाम अच्छे से जाए इसकी दुआ आप लोगों के साथ हम लोगों की रहेगी। और दूसरा बात कि आपको मेहनत भी रंग लाएगा। अब जो बचा हुआ जो 4 दिन का 5 दिन का टाइम है, हो सके तो आप बढ़िया से बढ़िया जो भी असाइनमेंट दिया गया है उसमें कुछ संभावित प्रश्न दिए गए हैं, आप उसको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़िए, याद कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम इज द रिविजन टाइम। अब कहने का मतलब आप जो चीजें पढ़े हैं उसी को बार बार पलट के देखते रहें, तो ज्यादा पेपर में हार्ड कुछ नहीं आने वाला है, बशर्ते खुद पर भरोसा रखना चाहिए। इसके अलावा और अगर आप इधर उधर का मामला फिट करते हैं तो फिर दिक्कत है। अच्छा, दूसरी बात कि मान लेते हो 12th में तुम बहुत प्रयास किए और खुदा ना खास्ता तुम्हारा जितना चाह रहे थे तुम उतना नंबर ना लाकर थोड़ा सा कम रह गया। बहुत सारे गलत रास्ता पे चले जाते हैं, कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ मिट्टी तिल छिड़क लेते हैं। तो आप बताओ एक बात कि जो मैदान में गया है लड़ने कोई एक आदमी, अब मैदान छोड़ के अगर भाग जाएगा तो क्या कभी वो जीतने का चांस उसके पास रहा? कभी नहीं जीत सकता है। अरे भाई मान लो तुमको अगर ऐसा स्थिति आ ही गया तो इसका गलत कदम तो नहीं ना उठा लेना है, अपने आप को स्ट्रगल करेंगे। और पता है कोशिश करने वाला कभी नहीं हारता है, दैट इज अ फैक्ट। तो कुल मिलाकर अपने आप को लगे रहना है, बहुत लगे रहना है। पता है आप लोग तो अभी 12th में हो ना, 12th के बाद ग्रेजुएशन करोगे, आगे का बहुत पढ़ाई करोगे। बहुत पढ़ाई करने के बाद भी लोगों की जो जॉब्स से मुलाकात होती है ना, कई सालों लग जाती है। व्हाट्स रीजन? अगर ऐसा होता तो लोग भी तो एक बार में होता नहीं होता तो फिर वो लोग भी कुछ गलत कर लेते ना भाई। ऐसा कभी नहीं करना, आपको बस एक मनुष्य के अंदर कोशिश करने का इरादा होना चाहिए। हमको कोशिश करना है, ट्राई अगेन। ये वाला अगर जिसके अंदर वर्ड्स अगर घूमने लगेगा माइंड में, हमेशा कोशिश करो किसी एक लक्ष्य की ओर। अभी आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपको 12th में अच्छा मार्क्स लाना है, ये दैट इज अ मेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुल मिलाकर आपके पास एक एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य आपके सामने यही दिमाग में घूमना चाहिए कि हमारा बोर्ड एग्जाम है, इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं घूमना चाहिए। और इस एग्जाम को कैसे फेस करना है, कैसे चीजों को लिखना है, थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान देना है जैसा कि हम बता चुके हैं। आपको न्यू पेन नहीं लेकर जाना है ताकि वो अच्छे से चल नहीं पाए, क्योंकि न्यू पेन अच्छा से स्पीडली नहीं चलता है। आप हमेशा आधा क्लब जो रनिंग में पेन है आप उसको ले जाइए, 2 ब्लैक पेन, 1 ब्लैक पेन और 1 ब्लू पेन ले जाइए। थोड़ा सा सब्जेक्टिव में अच्छे तरीके चीजों से लिखें ताकि जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा उसको देख कर ही पता लगे कि नहीं बच्चे, थोड़ा सा अगर कुछ हेडलाइंस है उसका अलग कलर कर दीजिए, उसके नीचे जो लिखने वाला है उसका आंसर है उसको अलग वे में दीजिए। तो कुल मिलाकर ये सब तरीका को अपनाना है।
और आप जो ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, आप उसको ज्यादा से ज्यादा टारगेट कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, यहां तक कि वही सब सारा क्वेश्चन असाइनमेंट में भी है तो आपको कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ये बात का ख्याल रखना। अच्छा, बहुत बार ऐसे होता है क्योंकि टाइम तो काफी देता है, डेढ़ घंटे में 50 क्वेश्चन करना है, 50% करना है और बाकी का डेढ़ घंटा में आपको रिटेन वाला सब्जेक्टिव करना है। लोग करते क्या है, जैसे मान लो हम एक स्टूडेंट हैं और एग्जाम दे रहे हैं और बगल वाले जो भी स्टूडेंट बैठे हैं, अब उसमें से तुम देख रहे हो, उसमें से झांक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे अपना इमेज भी घट जाता है और ये तुम खुद पे सोचो कि अगर हम जिसमें से देख रहे हैं भाई वो भी तो तुम्हारा उसका ऐसा तो नहीं है कि तुमसे बहुत सीनियर है, बहुत जानता होगा जो तुम उसमें से देख रहे हो, तो कभी नहीं अपने आप को इस तरीके से करे कि हमको में से कोई देखे, हम किसी में से नहीं देखे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है दोस्त, क्योंकि आप जिसमें से देख रहे हो वो ज्यादा ही टैलेंट है, वो ज्यादा ही कुछ जानने वाला है, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए आप अपने चीजों पर विश्वास रखें। और दूसरा बात कि ये हम लोगों का लाइफ एंडिंग नहीं है, हम लोग मिलते रहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा दुख इस बात का होता है कि इस परिस्थिति में हम लोगों ने क्लास किया है ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो खैर इसी बात के एहसास के लिए कुछ यादगार, जैसे मान लो कोई फंक्शन कोई पार्टी क्यों मनाया जाता है भाई, व्हाट्स रीजन, इसके पीछे का क्या रीजन है, रीजन यही है कि कुछ यादगार लम्हे, हम लोग देखते हो फैमिली के साथ फोटो एक लगाते हैं खिंचवाते हैं और उसको अच्छे से फ्रेम में रखते हैं ताकि याद आए कि ये किस इवेंट पे हम लोगों का ये कुछ हुआ था, तो बस कुछ यादगार के लिए हम लोगों ने ये फेयरवेल को रखा है जिसका विदाई समारोह के नाम से। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि आपका अभी मेन टारगेट मेन फोकस आपका एग्जाम है और उस आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छे से अच्छा मेहनत करें तो आपका आप लोग पे सभी हम लोगों के टीचर्स के से की ओर से बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत आशीर्वाद और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ, इसका हम लोगों की तरफ से बहुत दुआ है। आप लोग अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से लिखें पेपर में और ताकि देखो आप अगर अच्छा करोगे तो पता है आप अगर अच्छे करोगे ना तो आपके घर गांव आपके साथ जितने भी संलग्न रहते हैं व्यक्ति यहाँ तक कि टीचर माता पिता सबके नाम रोशन होंगे, तुम्हारा न्यूज पेपर में आएगा निकल कर कि फलना स्टूडेंट इस जिले में टॉप किया, प्रखंड में टॉप किया, लेवल पे टॉप किया। तो आप जो है देखो होता है ना, जैसे मान लो कि और पता है रियलिटी फैक्ट क्या है, उसी से तुमको एनर्जी भी आएगा। अब ये सुनने में तो अटपटा लग रहा होगा कि व्हाट एनर्जी किस बात का भाई, तो अगर मान लो कि वो बंदा जिसको टेंथ में अच्छा मार्क्स नहीं आया था लेकिन खुदा ना खास्ता इसमें उसका अच्छा मार्क्स आ गया, बहुत अच्छा आ गया और यहाँ तक कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना वो टॉप कर गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप कर गया वो लड़का, तो पता है अगर उसको कुछ अवार्ड दिया जाए, उसको अगर कोई न्यूज पेपर में निकल कर आए ना तो उसमें एनर्जी एकदम सीधा डबल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर हर बार यहाँ सैटरडे को टेस्ट होता है और एक सैटरडे में अगर तुम अगर अच्छे टॉप करते हो अपने क्लास में तो कुछ उसका एनर्जी का फीलिंग अलग ही होता है और फिर ऐसा लगता है कि पढ़ने का जोश पढ़ने का एनर्जी पूरा डबल हो गया और लगता है और मेहनत करते हैं। तो देखो एनर्जी बनाना है, अपने को अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है। तो बस यही हम कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं, धन्यवाद।